महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार की बगावत के बाद सियासी तूफान आ गया है। अजीत पवार ने बीते दिन राज्य के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली। उन्होंने अपनी ही पार्टी के कई विधायकों को साथ लेकर बगावत की है और एनडीए में शामिल हो गए। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इसे रॉबरी करार दिया। अजीत की बगावत पर उन्होंने कहा, ये गुगली नहीं है, ये रॉबरी है, ये छोटी बात नहीं है। एनसीपी में उठे सियासी संकट के बीच पार्टी के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। सवाल उठ रहा है कि अगर आज की तारीख में एनसीपी में दो गुट बन जाते हैं तो दोनों गुट का भविष्य क्या होगा। लेकिन इस बीच एक और नाम की चर्चा है और वो राजनीतिक गलियारों में शुरू भी हो गई है। वो नाम है रोहित पवार। तो चलिए आपको बताते हैं कौन रोहित पवार और आखिर क्यों ये नाम चर्चा में है। एनसीपी नेता रोहित पवार महाराष्ट्र की कर्जत जामखेड़ सीट से विधायक हैं। साल 2019 में उन्होंने सीट से बीजेपी के राम शिंदे को 42,000 से भी ज्यादा वोटों से हराकर विधानसभा में अपना डेब्यू किया। वो रिश्ते में शरद पवार के पोते लगते हैं और अजीत पवार के भतीजे। रोहित पवार ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत साल 2017 में पुणे के बारामती तालुका में शेरसफूल गुनावाड़ी क्षेत्र से जिला परिषद चुनाव के साथ की थी। रोहित बिजनेसमैन भी हैं, वो बारामती एग्रो लिमिटेड के सीईओ हैं। सितंबर 2018 से 2019 तक उन्होंने इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसके अलावा रोहित महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। चूंकि अजीत पवार अब एनसीपी में दो फाड़ मचा चुके हैं, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि सुप्रिया सुले और रोहित पवार के बूते शरद पवार अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा कर सकते हैं और राज्य में इन दोनों ही नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी तरफ रोहित का जवाब सुने तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रोहित ने अपने चाचा अजीत पवार के प्रति सम्मान जताया और कहा वो उनके चाचा हैं और वो उन्हें लेकर भावुक हैं। रोहित ने कहा कि उन्होंने उनकी काफी मदद की है लेकिन वो राजनीतिक तौर पर एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ हैं। रोहित ने कहा अगर ये जांचा जाए तो पता चलेगा कि शरद पवार के लोगों में ज्यादा स्वीकार्यता है। चलिए आपको सुनाते हैं कि अजीत पवार की बगावत के बाद मीडिया से बातचीत में क्या बोले एनसीपी नेता रोहित पवार। सो टेक्निकलिटीज यू विल अंडरस्टैंड इट टुडे एंड टुमारो बट व्हाट आई फील इज मोर देन टेक्निकलिटीज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वेयर द कार्यकर्ताज आर एंड वेयर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र टू सम एक्सटेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स एंड यू हैव टू फॉलो द सिस्टम आई थिंक दैट कुड बी द पार्ट ऑफ इट। As far as your question is concerned, what I would say is not about the person. It's about the thought process what we have. And today, we all, it could be me, it could be other MLAs, it could be the Karyakartas, all the Padadhikaris, that we all have to fight for the thought process. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।